और वाइट वॉश करना है वॉल्स में इंक्लूडिंग द सीलिंग ठीक है छत वाला है पोर्शन तो एक डायग्राम बना लेते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो फिगर जरूर बनाएं ठीक है इससे काफ़ी आइडिया मिल जाता है लेंथ फाइव मीटर फोर मीटर एंड दिस इज हाइट थ्री मीटर तो डायमेंशन होंगी सारी और ध्यान देना कि इसमें सारी यूनिट्स दे रखी मीटर में तो हमें कन्वर्जन का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एट द एंड जो रेट भी गेवन है वो पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है ठीक है मीटर में ही हम कैलकुलेट करते रहेंगे तो हमारे मीटर स्क्वायर में एरिया आएगा तो कहा गया है इसमें कि जो वॉल्स हैं उसमें वाइट वॉशिंग करनी है तो वॉल्स कितनी होंगी फोर वॉल्स होंगे इंक्लूडिंग द सीलिंग तो टोटल फाइव वॉल्स हो गए एक तरह से देखा जाए तो फ्रंट वाला हो गया एक साइड वाला हो गया एंड उसके अपोजिट वाला साइड हो गया और एक बैक का पैनल हो गया ठीक है और एक टॉप का सीलिंग का एरिया हो गया तो हम एक्सक्लूड कौन सा करेंगे जो फ्लोर रहेगा उसको एक्सक्लूड करेंगे ठीक है उसमें हम व्हाइट वॉशिंग नहीं करेंगे कितने फेसेस हमारे बन रहे हैं टोटल फाइव फेसेस बन रहे हैं उस रूम के जो पेंट करने हैं सॉरी पेंट नहीं वाइट uh, वॉश करना है ठीक है तो इसमें कौन सा फ्लोम लगेगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस जो सीलिंग का एरिया है वो ऐड हो जाएगा पहले हम क्या करेंगे पहले हम एरिया निकालेंगे इसका जितने जितने वॉल्स का हमें वाइट वॉश कराना है एरिया निकालने के बाद फिर हम रेट साथ कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा उसको फाइव वॉल्स को वाइट वॉश कराने का ठीक है कंटिन्यू करते हैं टोटल एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग ठीक है तो क्या बनेगा लिटल का टू इंटू बी एच प्लस एच एल ये हो गया लेटल का एरिया एंड प्लस एरिया ऑफ द सेलिंग क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ दैट मीन्स एल पी हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हम टोटल सरफेस एरिया से आ, बेस का एरिया माइनस कर दें ठीक है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा कर था दो तरीक़ों से तो उस वही दो तरीके हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है तो हम क्यों करें उससे ठीक है तो डायरेक्टली इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे टू एंड ब्रेथ इज फोर हाइट इज थ्री प्लस हाइट इज थ्री एंड लेंथ इज फाइव प्लस लेंथ इज फाइव एंड ब्रेथ इज फोर तो इन सबको कैलकुलेट करते हैं हम टू इंटू फोर थ्री ट्वेल्व प्लस थ्री फाइव थाउजेंड फिफ्टीन प्लस फोर थाउजेंड ट्वेंटी एड फाइव सिक्स सेवन टू इंटू ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी इक्वल टू 27 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा फिफ्टी फोर प्लस ट्वेंटी फोर मीटर स्क्वायर. ठीक है That means, white washing के लिए कितना एरिया uh, हमें मिला? मीटर स्क्वायर. ना बात करते हैं रेट की लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन रुपीज सेवन पॉइंट

555 and two के बाद तो इजी क्वेश्चन तो था ये मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं थर्ड क्वेश्चन के साथ कहा गया है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज पैरामीटर ऑफ टू फिफ्टी मीटर ठीक है तो गिवन है एक रेक्टेंगुलर uh, हॉल है इसकी पैरामीटर 250 मीटर है तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज गिवन 250 फिफ्टी मीटर और रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है टू इंटू एल प्लस बी ठीक है गिवन 250 अब आगे रीड करते हैं इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ रुपीज टेन पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड फाइन द हाइट ऑफ द हॉल ठीक है रेट गिवन है ना रेट ऑफ पेंटिंग फोर वॉल्स इज गिवन रुपीज टेन पर मीटर स्क्वायर दैट मीन्स वन मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट करने के लिए वो दस रुपये लेता है ये चीज़ गिवन है और कितना गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है फिफ्टीन थाउजेंड देना है और पूछा गया है हाइट ऑफ और ठीक है ये चीज़ पूछी गई है हमने जो चीज़ गिवन थी वो सारी चीज़ें लिख ली हैं अब करते हैं हाइट के लिए हम तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि रेट गिवन है और टोटल कॉस्ट गिवन है पेंटिंग का ठीक है इससे हम क्या कर सकते हैं एरिया Are निकाल सकते हैं और इतने एरिया की बात करी गई फोर वॉल्स की बात करी गई दैट मीन्स लेटरल का एरिया हमें फाइंड आउट हो जाएगा बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट अपॉन द गिवन रेट ठीक है तो लिखते हैं टोटल एरिया ऑफ फोर वॉल्स इक्वल टू टोटल उट सॉल्व आउट करते हैं जीरो से जीरो कैंसिल आउट एंड रुपीज रुपीज कैंसिल और मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा ये वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर स्क्वायर ठीक है तो ये एरिया आया है हमारे पास जो तो कि हमने पेंट कराया है और जो इसका टोटल कॉस्ट पड़ा है पंद्रह हज़ार तो हमें हमारे पास आ गया एरिया ऑफ फोर वॉल्स तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है डेट मीन्स लिटरल की बात करी गई है मैं फॉर्मूला पुट करते हैं टोटल एरिया ऑफ फोर वॉल्स दैट इज टू इन टू बी एच प्लस एच एल वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्क्वायर यहाँ से हम क्या करते हैं एच कॉमन लेंगे टू एच एल प्लस बी कॉमन आ गया तो क्योंकि किसके बराबर है फिफ्टीन हंड्रेड अब हम ध्यान से देखें तो जो हमारे पास पैरामीटर है पैरेमीटर क्या होता है टू इंटू एल प्लस बी इसकोल टू टू फिफ्टी मीटर हमें गिवन है तो मैं क्या टू इन जो टू गिवन है टू एंड एल प्लस बी की जगह मैं टू फिफ्टी लिख सकता हूँ है ना लिख सकता हूँ तो क्या हो जाएगा टू फिफ्टी एच इक्वल टू वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर स्क्वायर ध्यान देना ये टू फिफ्टी के साथ मीटर भी है तो मीटर में लिख देता हूँ कैंसिल आउट करूँगा जीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बनेगी 150 अपॉन 25 अगेन मैं क्या कर सकता हूँ? फाइव से कैंसिल आउट कर सकता हूं 5 5 25 5 3 15 एंड 0 एंड अगेन फाइव से जाएगा तो 5 6 30 6 तो मीटर हम लिख सकते हैं सो द एच ई आई हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज 6 तो so, ये हमारा हो गया क्वेश्चन एक और बार समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन रीड करा और जो जो उसमें चीज़ें गिवन थी वो हमने नोट डाउन कर ली जैसे पहला क्या बोला था पैरामीटर गिवन है टू फिफ्टी मीटर तो हमने पैरामीटर लिख दिया और साथ ही साथ हमने उसको फॉर्मूले के साथ इंक्लूड कर लिया एंड देन गिवन था रेट गिवन था फोर वॉल्स का पेंट करने का टन टेन रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से वो रेट चार्ज किया जाता है और टोटल कॉस्ट दे रखा था वो कितना खर्च हुआ पंद्रह हज़ार खर्च हुआ एंड हाइट पूछी गई तो यहाँ से मैं इन दो चीज़ों से रेट और टोटल कॉस्ट से मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ बिकॉज होता क्या है जब एरिया गिवन रहता है तो मैं रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे तो पास तो टोटल रुपीज़ आते हैं ठीक है ना टोटल रुपीज़ आता है एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा जो मेरे पास रुपीज़ होगा एरिया फाइंड आउट करने जो मेरा टोटल तो तो कॉस्ट होगा टोटल तो 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 कॉस्ट टोटल कॉस्ट को मैं अगर रेट से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा एरिया आ जाएगा ठीक है तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने गिवन एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करके मैं टोटल कॉस्ट फाइंड आउट किया उसी का थोड़ा बहुत अरेंजमेंट है है ना वो इससे क्या था अभी हमने एरिया निकालने के लिए हमें टोटल कॉस्ट व रेट से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एरिया आ गया ठीक है जो कि फ़िफ्टीन हंड्रेड मीटर स्क्वायर आया एंड फोर वॉल्स की बात की थी दैट मीन्स लेटर वाला फार्मूला लगेगा लेटर वाला फार्मूला लगाया टू इंटू बी एच प्लस एच एल यहाँ से मैंने एच कॉमन लिया तो मेरा यहाँ कहीं पैरामीटर का फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है दिख रहा है मुझे टू इं टू एल्व प्लस भी उसकी जगह मैंने पैरामीटर लिख दिया मैंने टू फिफ्टी मीटर ठीक है एच वेरिएबल के फॉर्म में है तो फाइंड आउट करना है उसको एज इट इज लिख दिया मैंने देन सॉल आउट किया जीरो से जीरो हो गया तो मीटर बचा एंड को मैं इसके नीचे ले गया इक्वल टू के साइड ले गया तो मैं डिवाइड में आ गया एंड कैंसिल आउट करा तो सिक्स मेरा आंसर आया तो लास्ट में मैं लिख सकता हूँ हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज सिक्स मीटर ठीक है तो आई होप के आपको समझ में आया होगा ये दो क्वेश्चन सेकेंड एंड थर्ड तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन से तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप स्टडी